नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। आज हम बात करेंगे कि चिमनी की हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि चिमनी की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहला तो जो डाटा चाहिए हमें वो चाहिए कि हमें हमारा फ्यूल कंजम्पशन कितना है, फ्यूल कंजम्पशन इन केजी पर अवर। ओके, और फ्यूल में आपका कितना सल्फर कंटेंट है, सल्फर कंटेंट इन परसेंटेज। ठीक, फ्यूल में कितना सल्फर कंटेंट है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ चिमनी का वो होता है आपका 14 Q^0.3। ओके, तो ये तो है आपका हाइट ऑफ चिमनी। और ये जो क्यू है, क्यू देख लेते हैं। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका फ्यूल कंजम्पशन इन केजी पर आवर मल्टीप्लाई ऑफ सल्फर कंटेंट इन फ्यूल, सल्फर कंटेंट इन फ्यूल मल्टीप्लाई ऑफ 2/100। ठीक, तो ये हो गया आपका क्यू, फ्यूल कंजम्पशन इन केजी पर आवर इनटू सल्फर कंटेंट इन फ्यूल मल्टीप्लाई ऑफ 2/100। ओके, तो अब देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके प्लांट में एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है वो 20 TPH का हो रहा है। ठीक, तो 20 TPH को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ओके, 20,000 KG/h। ओके, और आप मान लीजिए कि आपका सल्फर कंटेंट कितना है, एज्यूम कर लेते हैं सल्फर हम कितना है, SO2 जो है आपका 0.6%। ओके, ये हो गया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक, फॉर्मूले में पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000 KG/h में इंटू 0.6 इंटू 2/100। ओके, और इसका होल पावर 0.3। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 जगह इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा आपका, 14 × 240^3। ठीक, इसको आप अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 5.17, तो ये जाएगा आपका अराउंड 72 मीटर। ओके, तो अगर आपका मान लीजिए फ्यूल कंजम्पशन 20,000 KG/h है और आपका फ्यूल में सल्फर कंटेंट 0.6 है, तो उस हिसाब से आपकी जो चिमनी की हाइट होगी वो कितनी होगी, 72 मीटर की। ओके, और आपका जो इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब आप जो प्लांट की चिमनी बनाएंगे वो 30 मीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब आपका फ्यूल कंजम्पशन कितना भी हो, बट अगर मान लीजिए आपका फ्यूल कंजम्पशन कम है, तो अगर आपका कैलकुलेशन करने पे जो आपकी चिमनी की हाइट आ रही है वो अगर 30 मीटर से कम आ रही है, तो आप उसको 30 मीटर से कम कभी भी चिमनी की हाइट नहीं रख सकते। हमेशा आपको 30 मीटर से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा चिमनी की हाइट, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मतलब उनके अनुसार आपको 30 मीटर से ज़्यादा ही चिमनी की हाइट हमेशा रखनी है। और एक चीज़, ये तो हो गया आपका छोटे प्लांटों को, मतलब जो कैप्टिव यूनिट है उनके लिए। और मान लीजिए आपका जो प्लांट है वो 200 मेगावाट से ज़्यादा है। ठीक, 200 मेगावाट से लेके 500 मेगावाट तक। ठीक, तो इसकी जो चिमनी की हाइट होती है वो 220 मीटर की होती है। ठीक, तो ये इनका स्टैंडर्ड है। और जो 500 मेगावाट से अबव है उनकी होती है आपकी 280 मीटर। ठीक, जो 200 मेगावाट से 500 मेगावाट की प्लांट है उनकी जो चिमनी की हाइट होती है वो 220 मीटर की होती है, और 500 से अबव जो है वो कितना होता है, 280 मीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक, तो ये था दोस्तों वीडियो, मतलब कि आप चिमनी की हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि उस मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।